और उसके बाद आफ्टर मार्केट में मेटा के नतीजे आए थे और माइक्रोसॉफ्ट के नतीजे आए थे। माइक्रोसॉफ्ट का जो रेवेन्यू गाइडेंस था वो वीक था और मेटा के शेयर में भी हमने आफ्टर मार्केट में 3% के आसपास गिरावट देखी है, तो उसका रब ऑफ इफेक्ट निश्चित तौर पर आ रहा है। प्रशांत जी, जरा आप बताइए, आईटी में कहीं कोई शॉर्टिंग के मौके खोजने चाहिए या फिर रहने दें? अभिषेक जी, सबसे पहले अगर हम नजर इंडेक्स पे डालें तो आपको वहां पे क्लियर कट वीकनेस नजर आएगी, बट हम एक सपोर्ट पे, तो मुझे नहीं लग रहा है कि सपोर्ट पे शॉर्टिंग करनी चाहिए। यहाँ पे ऑलमोस्ट हम 40,900 के आसपास आए और यही आज जो लो बना हुआ है वो एक सपोर्ट है। अगर हम 40,850, 40,700, 800 ब्रेक कर दे तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक और बिकवाली आ सकती है जो हमें करीबन 40,300 तक ले जा सकती है। अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो जो वीकनेस है वो TCS में, इंफोसिस में और टेक महिंद्रा में भी नजर आ रही है। फिलहाल इस लेवल पे मुझे लग रहा है कि अगर TCS 4000 का लेवल ब्रेक कर दे जो करीबन 4010 पे, तो यहाँ पे एक शॉर्ट अटेम्प्ट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस अराउंड 4051 यानी 1% की रिस्क रख के आपको करीबन 3,900-3,850 के लेवल नजर आ सकते हैं। बट अगर 4000 ब्रेक ना हो तो मुझे लग रहा है ये ट्रेड ट्रिगर नहीं होगा।